अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके भी चिकन शामी कबाब टूटते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिए, सभी टिप्स फॉलो करिए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका लेके आई हूँ। आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत फ्लफी बनेंगे और बाहर से काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लें और इसमें डालिए 150 ग्राम यानी 150 ग्राम चना दाल। इसे मैंने एक घंटे के लिए पानी में भीगने रखा था। आधा किलो बोनलेस चिकन, एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, 5 लाल सूखी मिर्च, ज्यादा स्पाइसी पसंद तो ज्यादा डालिए, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून या 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून भर के फेम मैजिक मसाला डाल दें। इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट भी मैं पिन कर रही हूँ, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसे बना के रख लें, सभी रेसिपीज आपके बहुत ज्यादा मजे के बनेंगे। ये ना हो तो गरम मसाला पाउडर डाल दें 3 टीस्पून, नमक, तेल डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून भर के, फ्लेम को हाई पे रखिए, मिक्स कर लें। तीन से चार मिनट के लिए ऐसे ही भूनिए। तीन से चार मिनट के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डाल दें। चिकन और दाल दोनों को हमें अच्छे से गलाना है। जब ये इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, फ्लेम को मीडियम पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और मीडियम फ्लेम पे ही दाल चिकन गलने तक ऐसे ही गलाते जाइए। लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए, अगर नहीं चेक करेंगे तो पानी सूख जाएगा और ये नीचे से जल सकता है। पानी इसमें जो था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, चिकन और दाल दोनों भी गल चुके हैं। देखिए दाल इस तरह गल जानी चाहिए। अक्सर शामी टूट जाते हैं लोगों के, उसका एक रीजन ये भी है कि दाल बहुत ज्यादा गला देते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। हमें वैसे नहीं करना चाहिए, बस इतनी काफी है। फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। चिकन चना दाल का ये जो मिक्स है ये तो अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हमें अब पीसना है। लेकिन पीसने से पहले इसमें हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स डालना है। धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते बहुत सारे डालिए, अच्छी खुशबू आएगी। 2 या 3 कटी हुई हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 अंडा बाइंडिंग के लिए, अंडा नहीं खाते तो स्किप कर दें। चलिए इसे हमें अब पीसना है, लेकिन याद रखिए इसमें पानी ना डालें। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपके जो कबाब है शामी कबाब टूट जाएंगे फ्राई करते वक्त। इसे अच्छे से ड्राई पीस लें, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल थोड़ा पानी डालिए। चिकन शामी का पिसा हुआ मसाला तो तैयार है, देखें इस तरह से पीस लें। इसे हमें अब शेप देना है, शामी का शेप। हथेली पर थोड़ा सा तेल लगा लें। अगर आपको बड़े शामी चाहिए तो बड़े बना सकते हैं, छोटे चाहिए तो छोटे, पतले मोटे आपकी मर्जी। इस तरह से मसाला ले लें, इसे पहले राउंड बॉल शेप दे दें। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद इसे फ्लैट कर लें। क्रैक्स आने ना दें, इस तरह से क्लोज कर दें। पहला शामी कबाब हमारा फ्राई करने के लिए तैयार है। ऐसे ही करके सभी कबाब को शेप दे दें। फ्राई करने के लिए हमारे कबाब तो तैयार हैं। इस मसाले में हम आराम से 20 से 25 शामी कबाब बना सकते हैं। चलिए तेल अब गरम कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। इस तरह से शामी कबाब बना के आप फ्रीजर में आराम से 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। पैन में तेल अच्छे से गरम कर लें।
शामी कबाब आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई। तेल तो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख के ही शामी कबाब इसमें डाल के फ्राई कर लें। इन्हें बैचेस में ही फ्राई करिए, थोड़ी देर फ्राई होने दें, स्पून मत डालिए। देखिए ये तो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, टर्न कर लें, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देख लें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरे बने हैं हमारे कबाब, शामी कबाब, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अगर आपके कबाब टूट रहे हैं, पहले भी हमने पीसते वक्त अंडा डाला है, लेकिन फिर भी अगर टूट रहे हैं तो पीसने के बाद फिर से थोड़ा सा एक एग वाइट मिक्स कर दें मसाले में, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चलिए दूसरा बैच फ्राई करने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए फिर से तेल गरम करना होगा क्योंकि तेल ठंडा हो चुका है, अगर तेल ठंडा है तब भी कबाब टूट जाते हैं। ये सभी टिप्स हैं परफेक्ट कबाब के लिए, शामी कबाब के लिए। जब आप पहली बार शामी कबाब फ्राई करते हैं तब एक या दो ही फ्राई करिए, सभी कबाब मत डालिए तेल में, वरना अगर टूट गए तो सभी वेस्ट हो जाएंगे। पहले एक या दो फ्राई करके देखिए, अगर नहीं टूटे तभी दूसरे फ्राई करिए, अगर टूट गए तो एग वाइट मिक्स करके तभी फ्राई करें। शामी कबाब का दूसरा बैच भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, एक क्रैक भी नहीं आया है, देख लें। शामी कबाब का दूसरा बैच भी फ्राई होके तैयार है। अगर आपको ऐसे ही परफेक्ट चिकन शामी कबाब चाहिए तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, सभी मेजर्स सही से डालें। देखिए ये कितने फुले फुले भी बने हैं, देख लें। मैंने इन्हें पीसते वक्त एक खतरा पानी भी नहीं डाला था, आप भी मत डालिए, जरूरत पड़ी तो बहुत कम डालना है पानी। लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, अंदर से काफी टेस्टी बनते हैं, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं आज की ये चिकन शामी कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, इस वीडियो के लिंक को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रमज़ान रेसिपीज लेके आती रहूँगी, इसीलिए चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अस्सलामुअलैकुम।